देखिए, एक वृत्ताकार डिस्क है जिसका रेडियस 2R है, और दूसरा वृत्ताकार डिस्क है जिसका रेडियस R है। एक वृत्ताकार डिस्क में R त्रिज्या वाले वृत्त को हम काट लिया जाए, तब इसका A से O से G की दूरी A है। इस पर तीन पॉइंट मान लिए हैं, B, A, O, G, जिसमें से OB इक्वल टू होगा R 2R और सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए इसका हम पहले क्या करेंगे, AB इक्वल टू, दो एरिया है उसमें से एरिया घटा हुआ, तब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा उसको हमको फाइंड करना है। दो एरिया है, दो सर्कल है, उसमें से R त्रिज्या वाले सर्कल को काट दिया जाए, तब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। हम मान लिए ए बी इक्वल टू आर और ओ जी इक्वल टू ए आर, ओ से जी की दूरी ए आर मान लिए, ओ बी इक्वल टू 2R है, ओ से बी की दूरी 2R है। पहले क्या करेंगे, वृत्त बड़ा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो इसमें आर का वैल्यू कितना दिया है, 2R दिया है, बड़े वृत्त में बड़े वृत्त की त्रिज्या 2R है, तो 2R हो जाएगा, 2R का स्क्वायर करेंगे तो 4R स्क्वायर हो गया। अब बिंदु बी से इसका जो पहले इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले क्या होगा, पहले क्या करें, बिंदु ए से बी से केंद्र की दूरी निकालेंगे, तो जब निकालेंगे तो एच वन इक्वल टू मान लिए हैं 2R, एच वन इक्वल टू 2R माने हैं, और इस बड़े वृत्त का हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। तो इसका पहले एरिया हम निकाल चुके हैं 4R स्क्वायर, और इसका एच वन माने हुए हैं 2R, 2R है एच वन का दूरी, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4R³ आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, छोटे वृत्त हो गया का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, छोटे वृत्त का त्रिज्या कितना है R है, छोटे वृत्त का त्रिज्या R है, यहाँ देखिए, तो इसका क्या होगा, AO² H² पाई R³ हो गया। अब क्या करेंगे, नया वृत्त जो भी कटा हुआ भाग हो जाएगा, जो भी इसके भाग जो कट गया है ये छोटे वृत्त, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, नया वृत्त का क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल से छोटे वृत्त का निकाल घटा देंगे, तो इसका क्या, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र चेंज हो जाएगा, जब वृत्त का भाग कट जाने से द्रव्यमान केंद्र चेंज हो जाता है, जिसके कारण इसमें हम लोग बड़े वृत्त का सेंटर ऑफ ग्रेविटी दूसरे वृत्त के सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुरुत्व केंद्र को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो A₁H₁ इक्वल टू माइनस A₂H₂, A₁ माइनस A₂, A₁H₁ का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 8πR³, और A₂H₂ का वैल्यू πR³, πR² माइनस πR², इसको घटा देंगे, कैलकुलेशन करके क्या आ जाएगा, BG, GB का जो वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा, GB जो है हाथ कितना आ जाएगा, हो जाएगा 7π³R। अब क्या करेंगे, ओजी का वैल्यू हमको निकालना है, ओजी का वैल्यू निकालना है, इसमें हमको ए को फाइंड करना है, ए का फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, BG माइनस OB कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू 1/3R आ जाएगा। अब OG इक्वल टू क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे ओ ए आर से, OG का वैल्यू AR है, इसको इक्वेट करेंगे तो 1/3R हो जाएगा, इसमें RR कैंसिल हो जाएगा, ए का वैल्यू 1/3 आ जाएगा, जिससे हमको 1/3 वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू हमको यही क्वेश्चन में पूछा गया था। अब देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दो जब एरिया रहेगा तो दोनों एरिया को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, हम देखिए दोनों एरिया को जोड़ देते हैं, और इसमें दोनों एरिया को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और इसमें क्या करते हैं, दोनों एरिया को घटा देते हैं, जबकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो रहा है, इसलिए। थैंक यू।